नमस्ते, मेरा नाम है गिरीश श्रीराम शिंदे और आज के इस VRV VRF टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक के हमारे ऑब्जेक्टिव है ब्लॉक डायग्राम ऑफ VRV VRF और रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑफ VRV VRF। इसका मतलब इस टॉपिक में हम ब्लॉक डायग्राम सीखेंगे VRV या VRF का, और सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें हम जो VRV है उसकी बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। VRV या VRF का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम या वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। इसका मतलब VRV या VRF मशीन जो है ज़रूरत के हिसाब से रेफ्रिजरेंट का फ्लो क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त में हीट लोड ज़्यादा है तो ऐसे वक्त में VRV या VRF रेफ्रिजरेंट ज़्यादा रेफ्रिजरेंट का फ्लो क्रिएट करता है और ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कॉइल को सप्लाई करता है। सेम टाइम VRV या VRF का कंप्रेसर भी ज़्यादा तेज चलता है जिससे कि कूलिंग ज़्यादा मिलती है। अगर रात का वक्त है और हीट लोड कम है तो ऐसे वक्त में जो VRV मशीन है उसका जो एक्सपांशन डिवाइस है वो इवेपोरेटर कॉइल को कम क्वांटिटी में लिक्विड रेफ्रिजरेंट सेंड करता है और सेम टाइम में कंप्रेसर भी धीमे गति से चलता है जिससे कि ऊर्जा की बचत होती है। VRV यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम मशीन्स को डाइकिन कंपनी में 1982 में इंट्रोड्यूस किया है। VRV के नाम को डाइकिन कंपनी ने पेटेंट किया हुआ है। इसके लिए बाकी कंपनी जो है VRV को VRF के नाम से बेचती है। VRF का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। दोनों मशीन की टेक्नोलॉजी और वर्किंग एक जैसी है, सिर्फ उसका नाम अलग अलग है। VRV या VRF मशीन में एक आउटडोर यूनिट को एक से ज़्यादा यानी 60 यूनिट्स तक लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब एक आउटडोर यूनिट होगा और 60 से ज़्यादा इंडोर यूनिट यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। और ये जो इंडोर यूनिट है ये डिफरेंट कैपेसिटी के हो सकते हैं, जैसे कि ये 1 टन का हो गया तो ये 2 टन का हो सकता है, ये 1.5 टन का हो सकता है, 3 टन का हो सकता है, 5 टन का हो सकता है। तो डिफरेंट कैपेसिटी के इंडोर यूनिट को यहाँ पे लगाया जा सकता है। इसके बाद में इसका जो मॉडल है वो भी डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट मॉडल मैंने लिखा है सीलिंग कैसेट, दूसरा जो है वॉल माउंटिंग एसी है, तीसरा जो है सीलिंग कंसील्ड है, आगे का है फ्लोर माउंटिंग और एक फ्लोर माउंटिंग कंसील्ड। तो ऐसे डिफरेंट मॉडल यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। फिर ये जो VRV मशीन्स होती है उसमें दो टाइप के कंप्रेसर यूज होते हैं, एक तो डिजिटल स्क्रोल इसमें यूज होता है आउटडोर यूनिट में, या फिर इन्वर्टर स्क्रोल कंप्रेसर इसमें यूज होते हैं। सेकेंड थिंग होती है इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो रेफ्रिजरेंट आइदर 410A होता है या 407C इस्तेमाल होता है। VRV या VRF मशीन में जैसे मैंने बताया एक आउटडोर यूनिट को 60 इंडोर यूनिट कनेक्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद में इसकी जो पाइपिंग होती है मैक्सिमम पाइपिंग जो है वो 150 मीटर तक की जा सकती है। अगर आप नॉर्मल स्प्लिट एसी से VRF मशीन को या VRV मशीन को कंपेयर करते हो तो नॉर्मल स्प्लिट एसी में 15 मीटर की ही पाइपिंग की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे 150 मीटर तक की पाइपिंग करना पॉसिबल होता है। इसके बाद में ये जो VRF या VRV मशीन है इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर या डिजिटल स्क्रोल कंप्रेसर यूज करते हैं। इसके लिए अगर आप स्प्लिट एसी के साथ में VRV या VRF को कंपेयर करते हो तो साल भर में 30-40% जो है एनर्जी VRV से बचती है। इसके लिए ज़्यादातर कंपनीज आज की तारीख में VRV या VRF मशीन को इंस्टॉल कराती है। अभी हम VRV की रेफ्रिजरेशन साइकिल को स्टडी करेंगे। एक्चुअल जो रेफ्रिजरेशन साइकिल वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कम कर दिए हैं और सिर्फ बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल को यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है। तो शुरुआत करते हैं अलग अलग पार्ट के आइडेंटिफिकेशन से। तो VRV में एक से ज़्यादा कंप्रेसर होते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट कंप्रेसर बताया दैट इज़ इन्वर्टर कंप्रेसर, और फिर यहाँ पे और एक नॉर्मल कंप्रेसर बताया हुआ है। तो ये दोनों क्या है, कंप्रेसर है। VRV में नॉर्मली स्क्रोल कंप्रेसर यूज होते हैं। बीच में जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एक्यूमुलेटर है, फिर यहाँ पे ये जो पार्ट्स हैं इनको ऑयल सेपरेटर कहते हैं, एक कंडेंसर हो गया, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल, हर एक इवेपोरेटर के लिए सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल दिया हुआ है, और ये जो 1, 2, 3, 4 है दैट इज मल्टीपल इवेपोरेटर, क्योंकि ज़्यादा करके VRV मशीन में मल्टीपल इवेपोरेटर्स होते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन हो गया VRV के। अभी हम स्टडी करेंगे VRV की रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक्यूमुलेटर से। तो ये जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, और ये जो एक्यूमुलेटर है दैट इज कनेक्टेड विद इवेपोरेटर, इवेपोरेटर के साथ में कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो इवेपोरेटर की जो भी लाइन आ रही है, सक्शन लाइन देखिए ब्लू कलर में जो नजर आ रही है, ये सक्शन लाइन जो है ये चली आती है सबसे पहले एक्यूमुलेटर में। तो इन केस अगर इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉइल ऑफ नहीं होता, ऐसे कब होता है, जब इवेपोरेटर के ऊपर कोई लोड नहीं होता, ऐसे वक्त में इवेपोरेटर के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो बॉइल ऑफ नहीं होता, और ऐसा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो डायरेक्टली कंप्रेसर को जाके कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए कंप्रेसर के पहले एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो इन केस अगर इवेपोरेटर से कोई लिक्विड आ रहा है तो ये लिक्विड क्या होगा, एक्यूमुलेटर में यहाँ पे जमा हो जाएगा बॉटम साइड में। तो आप डिजाइन को स्टडी कर सकते हो, जो कंप्रेसर को सक्शन लाइन जा रही है वो एक यू लूप डाल के इसको लिया गया है, मतलब जो लिक्विड है वो बॉटम साइड पे जमा होगा, जब ये वेपराइज होगा तो वेपराइज होने के बाद में ही सिर्फ और सिर्फ वेपर जो है वो इस यू लूप से आगे सक्शन लाइन से कंप्रेसर में जाएगा। इसका मतलब एक्यूमुलेटर यूज करने के बाद में कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरीके से एक्यूमुलेटर इसमें एक्यूमुलेटर के टैंक में जमा हो जाएगा और सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट इस यू लाइन से या यू लूप से कंप्रेसर के सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो एक्यूमुलेटर है इसको सक्शन लाइन में इंस्टॉल किया जाता है और एक्यूमुलेटर कंप्रेसर को लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाने से बचाने का काम करता है या लिक्विड फ्लडबैक को रोकने का काम जो है वो एक्यूमुलेटर करता है। वीआरवी या वीआरएफ मशीन में एक से ज़्यादा कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं, इसमें से कुछ जो कंप्रेसर है ये नॉर्मल कंप्रेसर होते हैं और कुछ कंप्रेसर जो है वो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं। जो एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस एग्जांपल में मैंने एक इन्वर्टर कंप्रेसर इस्तेमाल किया है और एक नॉर्मल कंप्रेसर इस्तेमाल किया हुआ है। अभी हम वीआरवी या वीआरएफ के कंप्रेसर को स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली वीआरवी या वीआरएफ में स्क्रोल कंप्रेसर यूज होते हैं और इसमें एक नॉर्मल कंप्रेसर भी यूज होते हैं और इन्वर्टर कंप्रेसर भी यूज होते हैं। तो नॉर्मल कंप्रेसर और इन्वर्टर कंप्रेसर में बेसिक डिफरेंस क्या है, नॉर्मल कंप्रेसर का जो आरपीएम है वो आरपीएम चेंज नहीं होता, तो जो इन्वर्टर कंप्रेसर है उस इन्वर्टर कंप्रेसर का आरपीएम हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर मशीन के ऊपर का लोड ज़्यादा है तो इन्वर्टर कंप्रेसर अपना आरपीएम बढ़ा देता है, या फिर मशीन के ऊपर का लोड अगर कम है तो इन्वर्टर कंप्रेसर जो है अपना स्पीड भी कम कर देता है। तो इस तरीके से लोड एडजस्टमेंट के लिए या कैपेसिटी कंट्रोल करने के लिए इन्वर्टर कंप्रेसर ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जिससे पावर भी सेव होती है। इसके लिए वीआरवी या वीआरएफ मशीन में इन्वर्टर कंप्रेसर भी यूज़ करते हैं और नॉर्मल कंप्रेसर भी यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर काम कैसे करता है। तो ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं उनमें एक वीएफडी लगा होता है। तो वीएफडी क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर करता क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर को एक कम्युनिकेशन केबल के थ्रू एक सिग्नल मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब भी एसी के ऊपर लोड बढ़ता है, हीट लोड बढ़ता है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर होता है जो वीएफडी को सिग्नल भेजता है कि लोड बढ़ गया है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, ये जो वीएफडी है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर जो है वो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में होती है 50 हर्ट्ज होती है, तो वीएफडी इस 50 हर्ट्ज को बढ़ा देता है और बढ़ाने के बाद में देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जब भी हम किसी मोटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद में उसका जो आरपीएम है या स्पीड जो है वो स्पीड बढ़ जाता है और कंप्रेसर ज़्यादा तेजी से काम करता है और जिससे कि कूलिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलता है। तो उस वक्त में पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे लोड कम हो जाता है, कूलिंग आते जाती है, तो फिर से माइक्रो प्रोसेसर जो कंट्रोलर होता है वो वीएफडी को सिग्नल भेजता है कि अभी लोड कम हो गया है, और लोड कम होने के बाद में ये जो वीएफडी होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर होता है, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है कंप्रेसर का स्पीड भी कम हो रहा है, और स्पीड कम होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो पावर कंजम्पशन भी कम हो रही है। तो इस तरीके से जो इन्वर्टर कंप्रेसर्स होते हैं वो जब हाई लोड होता है तो उस वक्त में अपना आरपीएम बढ़ा देते हैं, और जब लोड कम हो जाता है तो बंद नहीं होते, बंद होने की जगह पे अपना स्पीड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे कि कांस्टेंट कूलिंग मिलती रहती है और पावर भी सेव होती है। अब फिर से हम साइकिल की ओर आएंगे। इवेपोरेटर से आने वाला लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो वेपर रेफ्रिजरेंट पहले एक्यूमुलेटर में आएगा। इन केस इसमें अगर लिक्विड है तो लिक्विड नीचे जमा हो जाएगा और जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो इस यू ट्रैप से या यू लूप से आगे आएगा कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर में सिर्फ और सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट होगा। फिर ये जो स्क्रोल कंप्रेसर्स हैं, स्क्रोल कंप्रेसर्स इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी बढ़ेगा। अब होता क्या है, जब ये कंप्रेसर्स रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं तो कुछ हद में जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो लुब्रिकेशन ऑयल भी कंप्रेसर के बाहर निकल के आता है। जैसे मैंने बताया कि वीआरएफ या वीआरवी का जो पाइपिंग लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर ऐसे वक्त में अगर ऑयल बाहर निकल के गया तो ऑयल रिटर्न आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कंप्रेसर के बाहर डिस्चार्ज लाइन में ऑयल सेपरेटर्स लगाए जाते हैं। तो ऑयल सेपरेटर का काम क्या है, डिस्चार्ज लाइन से जो रेफ्रिजरेंट आता है उसके साथ जो ऑयल आता है उस ऑयल को ऑयल सेपरेटर सेपरेट करते हैं और इस लाइन से लुब्रिकेशन ऑयल वापस कंप्रेसर में चला जाता है, या फिर ये जो कंप्रेसर है इसकी डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होकर ऑयल सेपरेटर में आया, ऑयल सेपरेटर जो रेफ्रिजरेंट में ऑयल है उस ऑयल को वापस कंप्रेसर में भेजने का काम करता है, और सिर्फ जो वेपर रेफ्रिजरेंट है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वो ऑयल सेपरेटर से आगे यहाँ पे कंडेंसर की ओर बढ़ते हैं। कंडेंसर जो है वो टेरेस पे लगाए जाते हैं, कॉमन कंडेंसर होता है। जैसे मैंने बताया कि एक यूनिट में 60 इंडोर यूनिट लगाए जाते हैं, तो 60 इंडोर यूनिट का एक कॉमन कंडेंसर होता है जो टेरेस पे लगाए जाते हैं ज़्यादा करके, और वहाँ से वो हीट रिजेक्शन का काम करते हैं।
हीटाइजेशन का काम करने के बाद में जो भी रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद में ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल यहाँ पे लगे होते हैं, ये जो भी है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दैट आर कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल है ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसमें एक थर्मिस्टर सेंसर्स लगे होते हैं जो इवेपोरेटर से कनेक्टेड होता है, तो वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि इवेपोरेटर के ऊपर लोड कितना है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे अगर लोड कम हो गया तो यहाँ का थर्मिस्टर सेंसर क्या करेगा, इवेपोरेटर का लोड सेंस करेगा, और लोड सेंस करके अगर लोड कम हो गया है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल है वो अपने आप क्लोज हो जाएंगे या रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है वो फ्लो कम कर देंगे। साथ ही में जो थर्मिस्टर सेंसर होता है इसकी कम्युनिकेशन केबल होती है, वो यहाँ से कम्युनिकेशन करके ये जो आउटडोर यूनिट है इस आउटडोर यूनिट में एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर को सिग्नल भेजता है कि ये जो पर्टिकुलर इवेपोरेटर कॉइल है इस इवेपोरेटर कॉइल का लोड जो है कम हो गया है। एक्सपांशन वॉल तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम कर ही देगा, लेकिन साथ में एक कम्युनिकेशन केबल जो है वो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ गया, रेफ्रिजरेंट का फ्लो यहाँ पे कम हो गया है। सेम टाइम यहाँ से एक सिग्नल जाता है आउटडोर यूनिट से, एक कम्युनिकेशन केबल से सिग्नल जाता है इन्वर्टर कंप्रेसर को, और इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो इन्वर्टर कंप्रेसर अपना आरपीएम भी उस वक्त में चेंज कर देता है। आरपीएम कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बताया, कि जैसे सिग्नल आता है माइक्रो प्रोसेसर से तो वीएफडी जो है अपना फ्रीक्वेंसी कम कर देगा, फ्रीक्वेंसी कम करने से कंप्रेसर का आरपीएम कम हो जाता है। तो ये जो ईच एंड एवरी जो इवेपोरेटर कॉइल है इसको सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है, अगर समझो इस जगह पे लोड कम हो गया है तो इस इवेपोरेटर को पर्टिकुलर इस इवेपोरेटर को लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम मिलेगा, लेकिन समझो 3 नंबर के इवेपोरेटर के ऊपर लोड अगर ज़्यादा है तो यहाँ का जो एक्सपेंशन वॉल है वो ज़्यादा खुलेगा और इस इवेपोरेटर कॉइल को ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिल सकता है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे रेफ्रिजरेंट का फ्लो यहाँ पे होते रहता है, इसी के लिए इस मशीन को हम लोग वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम कहते हैं या इसका दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो ईच एंड एवरी इवेपोरेटर को ध्यान में रखते हुए, उसके लोड रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल करेक्ट क्वांटिटी में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर कॉइल को सप्लाई करता है, और फिर ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरीके से वेपराइज हो जाते हैं, और वेपराइज होने के बाद में ये जो है वापस एक्युमुलेटर को आते हैं, और इस तरीके से जो वीआरवी है उसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।